हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा टॉपिक चल रहा है बैटरीज़, और बैटरीज़ में लास्ट क्लास में हम प्राइमरी बैटरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी बैटरीज़ कौन सी बैटरीज़ थी जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार यूज़ हो गई तो उसके पश्चात आपको फेंकना ही पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी बैटरीज़। सेकेंडरी बैटरीज़ इस प्रकार की बैटरियाँ हैं जिन्हें आप चार्ज कर सकते हैं, यानी जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके बाद में उन्हें पुनः चार्ज में किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। तो इसी सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, डिस्कस करेंगे सेकेंडरी बैटरीज के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी जिसे सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है। देखिए, ये एक सेकेंडरी बैटरी है, यानी इसे चार्ज किया जा सकता है। पहली तो इसकी जो विशेषता है, स्पेसिफिसिटी, चार्जेबल है। इसके अलावा इस बैटरी में 3 से 6 वोल्टिक सेल सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं 3 से 6 सेल, और इसके द्वारा जो वोल्टेज दी जाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 से 12 वोल्ट तक वोल्टेज ये देती है। कहाँ पे जनरली इस बैटरी को आपने घरों में जो इन्वर्टर लगे हुए होते हैं, जो इन्वर्टर की बैटरी है वो यही लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो इस बैटरी की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये बैटरी किस प्रकार की होती है। देखिए, यहाँ पे आपको शो किया गया है लेड स्टोरेज बैटरी को। यहाँ पे 2 ग्रिड दिखाई दे रही है आपको, एक तो हाइलाइटेड ग्रिड है और दूसरी इसको हाइलाइट नहीं किया गया, क्लियर है। दोनों ग्रिड डिफरेंट इलेक्ट्रोड दिखाने के लिए, अलग अलग एनोड और कैथोड को अलग करने के लिए ऐसा इसको शो किया गया है। यहां पे एक चीज बता दूं आप लोगों को मैं, कि ये दोनों ही ग्रिड लेड एंटीमनी मिश्र धातु की बनी हुई होती है। लेड एंटीमनी मिश्र धातु से बनी हुई ग्रिड, ठीक है, लेड और एंटीमनी से इसको बना हुआ, छिद्रित होती है, महीन छिद्रयुक्त होती है, जालीदार होती है। ओके, ठीक बात है। अब इसमें जो एक ग्रिड है वो एनोड का काम करेगी, दूसरी कैथोड का करेगी। जैसा कि ट्रेडिशन कहता है कि एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड में शो करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे फॉलो करते हुए इसे हम एनोड बोलते हैं। देखिए, ये किस प्रकार का सेल होगा, अपन बिगिनिंग में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे अपन एनोड शो कर देते हैं, नेगेटिव, एनोड नेगेटिव होता है ना, तो एनोड नेगेटिव, और ये कैथोड दिखा देंगे, ये क्या होगा, पॉजिटिव कैथोड, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहां पे क्लियर हो गई। ओके, अब जो ग्रिड एनोड का काम कर रही है उस ग्रिड में क्या भरा हुआ है, उसमें फिल क्या किया गया है, तो ये वाली ग्रिड जो एनोड का काम कर रही है इसमें भरा हुआ है स्पॉन्जी लेड, यानी लेड को पूर्णतः एकदम महीन पाउडर बना के स्पॉन्जी फॉर्म में इस ग्रिड में फिल करा हुआ है, जो कि एनोड का काम कर रही है। फिर कैथोड ग्रिड में क्या फिल किया गया है, कैथोड ग्रिड में फिल किया गया है PbO2, लेड ऑक्साइड को, ठीक है। यहाँ पे क्या फिल किया है, स्पॉन्जी लेड, और यहाँ पे लेड ऑक्साइड को फिल किया गया है। ओके, अब जो इन ग्रिड के बीच का ये वाला पार्ट है, इसमें किसे फिल किया गया है, यहाँ पे कौन फिलअप रहता है, पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक सॉल्यूशन भरा जाता है। किसका सॉल्यूशन भरा जाता है बात करेंगे, सॉल्यूशन है एसिड का, और एसिड यहाँ पे काम में लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया गया है, तो वर्ड हम क्या काम में ले रहे हैं, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, 30%, 30% H2SO4 का सॉल्यूशन यहां पे फिल किया गया है, जिसमें कि एनोड और कैथोड दोनों ग्रिडें यहां पे डूबी हुई हैं, डीप हुई हुई हैं। ओके, आ रही है बात समझ में। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि यहां पे रिएक्शंस क्या क्या होती है। इतनी बात में कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे चले, समझ में आ रही है। ओके, अब देखिए एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है उनके बारे में हम बात कर लें, पर उससे पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ शो ऑफ देख लेते हैं हम, कि यहां पे एनोड कौन है, स्पॉन्जी लेड। तो एनोड यहां पे किसका फॉर्मेशन करेगा, PbSO4। एनोड क्या बनाएगा, PbSO4। कैथोड पे कौन है, PbO2 और PbO2 भी क्या बनाने वाला है, PbSO4, लेड सल्फेट,
ठीक बात है, यानी लेड भी लेड सल्फेट बनाएगा और PbO2 लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट बनाएगा। किसकी प्रेजेंस में, कौन उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 दैट इज 30% सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला काम यहाँ पे अपने को दिखाना है। तो रिएक्शंस देखें क्या क्या होती है। ओके, एनोड, सबसे पहले हम एनोड की बात कर लें कि एनोड पे क्या होगा। एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दूं यहाँ पे, शो कर दूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लेड है एनोड पे, स्पॉन्जी शीशा भरा हुआ ना, ये लेड ऑक्सीडाइज्ड होगा और बना लेगा Pb2+। लेड ने किसका फॉर्मेशन किया, Pb2+ का। यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, जीरो, यहां पे क्या होगी, Pb2+, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक बात है। ओके, अब देखिए बनना क्या है, PbSO4। तो PbSO4 Pb2+ क्या करेगा, किसमें डूबा हुआ है, H2SO4 में। तो H2SO4 में कौन कौन उपस्थित है, H+ आयन्स और सल्फेट आयन्स। तो ये Pb2+ आयन सल्फेट आयनों से क्रिया करेगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं मैं, है ना, लॉस करा ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फेट आयन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, PbSO4। ठीक बात है, लेड जो था पीबी था, पीबी ने क्या बनाया यहाँ पे, Pb2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस हो गए और Pb2+ ने सल्फेट एक्सेप्ट करे कहाँ से, इस H2SO4 से, और क्या बना लिया, PbSO4, यानी पीबी किसका फॉर्म कर रहा है, PbSO4 का। इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए Pb2+ से Pb2+ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या लिख देंगे, Pb+SO4 2- Pb+SO4 2- Pb+SO4+2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आ गई आपके एनोड पे होने वाली ओवरऑल रिएक्शन, यानी लेड ने सल्फेट आयन एक्सेप्ट करे, क्या बनाया, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर दिए। ये एक बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। देखिए SO4 2 माइनस था ना, अब ये यहाँ पे जाके जुड़ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए। ओके, ये आ गई कैथोड एनोड पे होने वाली रिएक्शन। नेक्स्ट हम लिखते हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड, कैथोड पे देखिए क्या होना है, PbO2 से PbSO4 बनना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, PbO2 कैथोड पे रिडक्शन होता है, क्या होता है कैथोड पे, रिडक्शन। ठीक बात है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बात है, गेन इलेक्ट्रॉन में यहां पे गेन होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन कहते हैं, साथ में देखिए यहां पे क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का रिलीज भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी यहां पे ये जो दो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, ये इस लेड से अलग होगी। ठीक है, यानी लेड से जब अलग होगी तो लेड क्या बना लेगा, Pb2+। थोड़ा सा आगे लिख दूं इसको मैं, Pb2+। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन रिलीज हुई है तो ये ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं रहेगी, ये क्या करेगी, कंपाउंड बनाएगी, और कंपाउंड बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। क्या कैथोड ग्रिड भी H2SO4 में डूबी हुई है, H2SO4 में डूबी हुई है ना, H2SO4 से क्या H+ आयन्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं इसको H+ आयन, बिल्कुल मिल सकते हैं। और अगर H+ आयन मिल जाए तो ये ऑक्सीजन H+ के साथ क्रिया करके क्या बना सकती है, वाटर का फॉर्मेशन कर सकती है, जल का निर्माण कर सकती है। तो यहां पे देखिए कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, दो, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, चार। भाई जल में ऑक्सीजन के दुगने हाइड्रोजन होते हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन कितने काम में आएंगे आपके, 4H+। ठीक है, साथ ही यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे गए हैं वो यहां पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहां पे देखिए, +2H2। ओके, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए जो Pb2+ बना, देखिए यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये नंबर सेम होना चाहिए। अब Pb2+ यहां पे सल्फेट आयन पड़े हुए ना सॉल्यूशन में, इन सल्फेट आयनों से क्रिया करके
और फॉर्म करेगा PbSO4, PbSO4, ठीक है। अब नेट रिएक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, इसे जोड़ दें। देखिए Pb2+ से Pb2+ कैंसिल हो जाएगा और पूरा लिख देते हैं क्या है, PbO2+4H+SO4 2- = 2। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो लिखेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू PbSO4+2H2। दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेक प्लेस ऑन कैथोड। जो कैथोड पे रिएक्शन होती है वो हमने यहाँ पे शो कर दी, ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की नेट रिएक्शन, ठीक है। अब हमें चाहिए नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन क्या लिख देंगे। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या होना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या लिख दें, PbPbO2, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इस वाली को और इसको, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, PbPbO2 4H+ यहां भी सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, कितने सल्फेट, 2SO4 2-, ओके, और क्या बन गया, 2PbSO4 PbSO4+2H2, ठीक है। ये रिएक्शन यहां पे नेट सेल रिएक्शन आ गई। तो ये नेट सेल रिएक्शन जो आई है वो किस चीज की आई है, डिस्चार्जिंग की, यानी जब सेल से आप विद्युत प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे, तो ये वाली रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन में आप देखिए यहां पे जो 4H+ और 2SO4 लिखा हुआ है, इसे ये भी तो लिखा जा सकता है 2H2SO4, ऐसा लिख सकते हैं। मैं कैमरे में एक बार देख लूं कि आ तो रहा है, ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ जी। तो अब देखिए जो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, इसकी कौन सी रिएक्शन कह सकते हैं, डिस्चार्जिंग यानी सेल से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। सेल से कौन सी एनर्जी प्राप्त हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस रिएक्शन में देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.3 अप्रोक्सीमेटली, इसे 1.14 to 1.3 ग्राम प्रति ml बोला जाता है, अगर इस सेल की में H2SO4 का घनत्व 1.14 से 1.3 से कम हो जाए, लगभग आपको इतना ही मिलेगा, 1.3 दिया हुआ मिलेगा बुक्स में, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है, अगर इससे कम हो जाए तो सेल डिस्चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद कर देता है। यानी इस रिएक्शन में साथ में क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या प्राप्त होगी आपको, साथ में इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इस रिएक्शन से प्राप्त होगी। और इस रिएक्शन में यूज कौन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होने के कारण धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब डेंसिटी 1.14 से 1.3 से कम हो जाएगी, या आप 1.3 ही पकड़ के रखिए, 1.3 से कम हो जाएगी, तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, अब आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इस स्थिति में अब क्या करना पड़ेगा, सेल को चार्ज करना पड़ेगा। और चार्जिंग की प्रोसेस क्या होगी, देखिए विपरीत दिशा में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे हम, बाह्य स्रोत से विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, तो इसमें होने वाली रिएक्शन ऑपोजिट दिशा में होने लगेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें होने वाली रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अभी किधर हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन साइड में हो रही है ना, तो फिर किधर होने लगेगी, बैकवर्ड साइड में होने लगेगी। और उस स्थिति में एक बात और सुन लीजिए, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब सीसा संचायक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार कर रहा है, और जब इसे चार्ज करेंगे तो यही सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भांति कार्य करेगा। यानी जब डिस्चार्ज हो रहा है तब कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और जब डिस्चार्ज करोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रूप में कार्य करेगा। तो ये डिस्चार्जिंग की अगर रिएक्शन है तो चार्जिंग की रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, चार्जिंग की रिएक्शन को क्या लिख दें, यू लिख दें
2PbSO4 प्लस 2H2O बना रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्जिंग क्या हो रही है, चार्जिंग, और क्या बना रहा है, Pb प्लस PbO2 वापिस आपको प्राप्त होने लगे ना, जो मटेरियल आपको चाहिए वो मिल रहा है। और इसको एक साथ ही लिख दूं मैं, 2H2SO4 2H2SO4 ठीक है, यानी ये डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग में सेल किसकी भांति काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी गैल्वनी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और चार्जिंग में इलेक्ट्रोलिटिक सेल ठीक है। तो ये है आपका लेड स्टोरेज सेल, इसे पोज करके आप लोग छाप लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी बैटरीज में ही निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये मॉडर्न टाइप का सेल है, लेटेस्ट है, कॉम्पैक्ट होता है, और इसका ये भी चार्जेबल है, इसको चार्ज किया जा सकता है। इसकी स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं मैं आपको कि एनोड होगा वह होगा कैडमियम, कैथोड होगा वह होगा निकल ऑक्साइड, और जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहां पे काम में ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट वह है KOH का जलीय विलयन साथ में H2O ठीक है। अब इस सेल को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये कोई एक इनर्ट मेटल की छड़ है, ये वाली छड़ ठीक है। अब इसके ऊपर जो पहली लेयर है, ये पहली लेयर हम निकल ऑक्साइड की लपेटें, दूसरी लेयर एक सेपरेटर बीच में विभाजक काम में लेंगे, जैसे कि हमने सीसा संचायक शुष्क सेल में लैकलेंसी सेल में लिया था ना विभाजक काम में, कार्बन और MnO2 के पेस्ट को अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से सेपरेट करने के लिए, उसी प्रकार का इनके बीच में क्या काम में ले रहे हैं, एक विभाजक काम में ले रहे हैं, और फिर इसके बाहर की क्या और क्या होगी, निकल ऑक्साइड की लेयर होगी। यहाँ पे जो बीच की लेयर है इसमें इसे किससे भिगो के रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के और जल से इसको भिगो के रखेंगे बीच वाली लेयर को ठीक है। तो ये वाली लेयर कैडमियम निकल ऑक्साइड की NiO2 की, ये वाली इसमें क्या है विभाजक जिसमें क्या है KOH और H2O, और इसमें क्या है कैडमियम। और अब हम इन तीनों लेयर्स को क्या करें, इसके ऊपर लपेट देते हैं इस प्रकार से, इसको क्या करें इसके ऊपर इस पूरी को लपेट दें, यूं आपने इसको पूरी पे रोल किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये तीन लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन्हीं को मैंने यहाँ शो करने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन उपस्थित है, सबसे पहली लेयर है ये है NiO2 की ठीक है, बीच में कौन है KOH प्लस H2O, और यहाँ पे है कैडमियम ठीक है। ओके ये तो होगी आपकी निकल कैडमियम सेल की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए एनोड पे कैडमियम निर्माण करेगा कैडमियम ऑक्साइड का ठीक है, और कैथोड पे निकल ऑक्साइड निर्माण करेगा निकल हाइड्रोक्साइड का। ये रिएक्शन यहाँ पे होनी है, कैडमियम कैडमियम ऑक्साइड बनाएगा, निकल ऑक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड का निर्माण यहाँ पे करेगा। ओके आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब मैं यहां पे रिएक्शन लिख दूं एनोड पे, सबसे पहले एनोड पे क्या रिएक्शन होगी देखिए, एनोड कौन है कैडमियम, एनोड का काम कौन कर रहा है कैडमियम, तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है। ओके तो देखिए कैडमियम यहां पे किसका फॉर्म करेगा, कैडमियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब कैडमियम ऑक्साइड बनाने के लिए इसे क्या चाहिए, ओ चाहिए, तो ओ इसे कहां से प्राप्त होगा, यहां से KOH से, KOH से ये ओ एक्सेप्ट करेगा ओ एच ठीक है ना, KOH से OH लेगा और इस OH से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, ओ एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए
कैडमियम किसका निर्माण करेगा? Cd2+ का निर्माण करेगा ना। तो Cd2+ का निर्माण करेगा तो इसे कितने OH चाहिएंगे? दो चाहिएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 2OH-। ठीक है, ओके। Cd2+ बनाएगा तो इसे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिएंगे? दो चाहिएंगे ना। तो इसने 2OH का यहाँ पे अपन माइनस का यूज करेंगे। भाई CD है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसलिए हम 2OH- को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या बना लिया? CDO। साथ में क्या बनाएगा? अब O तो यहाँ पे मिल गया। भाई इस तरह से समझिए आप इसे कि ये OH- आपने ले रखा है। कैडमियम ने क्या बना लिया? कैडमियम ऑक्साइड। अगर अपन एक ही OH- लेते तो एक O तो इसने ले लिया, फिर बचा क्या? H। तो H फॉर्म में थोड़ी रहेगा, उसे भी तो कोई कंपाउंड बनाना पड़ेगा ना स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको 2OH- यूज करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए एक O तो यहाँ पे काम में आ गया, बचा क्या? H2O। क्या लिख देंगे? H2O। और साथ में कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करा कैडमियम ने? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। देखिए कैडमियम ने इन 2OH- की प्रेजेंट में CDO का निर्माण किया और जल साथ में को प्रोडक्ट बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो गए, लॉस हो गया। तो ये हो गई एनोड पे होने वाली रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होना है? देखिए कैथोड पे होना है रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो कैथोड किसका बना हुआ है? NiO2 का। कैथोड किससे फॉर्म है? ये वाला NiO2। और NiO2 ने क्या बनाना है? NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस इसने बनाना है, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा ही, पर बनाना क्या है? NiOH का होल ट्वाइस। तो इसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो इसके पास में है, पर इसे क्या बनाना है? हाइड्रोक्साइड बनाना है निकल का। तो निकल का हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसी टाइम क्या करेगा? ये वाटर का भी, इस जल के अणु का भी यूज करेगा निकल हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H2O+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे NiO2 किसका निर्माण कर रहा है? NiOH के होल ट्वाइस का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन काम में आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन काम में आ गए, दो ऑक्सीजन काम में आ गया, बचा क्या? केवल O बचा। केवल O यहाँ पे नहीं रह सकता है, इसलिए हम H2O के कितने मॉलिक्यूल्स काम में लेंगे? 2H2O। H2O कितना काम में लेंगे? 2H2O काम में लेंगे। तो यहाँ पे NiOH के होल ट्वाइस के साथ में को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2OH-, ठीक है। 2OH- का निर्माण होगा, यानी यहाँ पे जो यूज हुआ था ये वापस प्रोड्यूस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ था? कैडमियम ने क्या निर्माण किया है? कैडमियम ऑक्साइड का। ध्यान दें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, तो क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है? कमी आ रही है, मींस यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? हाइड्रोक्साइड आयनों की हेल्प से। यहां पे रिडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? जल की सहायता से, ठीक है। ये आपके पास में एनोड कैथोड की रिएक्शन आ गई। अब अपन इन रिएक्शन को जोड़कर नेट सेल रिएक्शन प्राप्त करते हैं। तो देखिए H2O से एक H2O कट जाएगा, ठीक है। 2OH- से 2OH- कट जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या लिखेंगे? Cd+NiO2+ एक H2 तो कट गया ना, बच गया क्या? 1H2O। H2O इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? Cd+NiOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन में साथ में क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी साथ में फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्चार्जिंग, यानी सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है।
सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। और अगर इसी रिएक्शन को आप उल्टा कराना शुरू करवा दो, यानी सेल को आप विपरीत दिशा में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये रिएक्शन क्या होने लगेगी, उल्टी दिशा में होने लगेगी। अभी सेल किसकी भांति काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भांति काम कर रहा है, विद्युत धारा बना, विद्युत ऊर्जा बना रहा है। और जब आपका सेल डिस्चार्ज हो जाए तो आप इसमें विपरीत दिशा में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये रिएक्शन इस तरफ होने लगेगी और आप इसे क्या कह दोगे, चार्जिंग। क्या हो रही है, चार्जिंग। तो ये है आपका निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। किसी भी सेल के लिए एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन महत्वपूर्ण होती है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल सेल, जिसे ईंधन सेल कहते हैं हिंदी में। फ्यूल सेल कहाँ काम में लिए जाते हैं, देखिए तापीय संयंत्र जहाँ पे जल से विद्युत धारा बनाई जाती है वहाँ उन्हें तापीय संयंत्र कहते हैं। इन तापीय संयंत्रों को चलाने के लिए जीवाश्मी ईंधन काम में लिया जाता है, और जीवाश्मी ईंधन कम से कम काम में लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो इसके जो भंडार है, इसका स्टोरेज है, वो प्रकृति में बहुत ही कम है। साथ ही जब जीवाश्मी ईंधन को जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, तो उसमें से विषैली जहरीली गैसें निकलती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। साथ ही इन ईंधन सेलों की दक्षता भी उच्च होती है तापीय संयंत्रों की तुलना में, तो इनका उपयोग किया जाना चाहिए। हम यहाँ पे ईंधन सेल के रूप में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल को यहाँ पे हमने शो किया है। देखिए एक पूरा प्रकोष्ठ है, पूरा का पूरा चैम्बर था, इस पूरे चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड लगाकर इसे तीन चैम्बर में डिवाइड कर दिया गया है। ये इलेक्ट्रोड किसके हैं, ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रोड कैसे हैं, छिद्रित है, पोरस है, छिद्र इनमें सूक्ष्म, और इनमें प्लेटिनम और पैलेडियम को समावेशित किया गया है ताकि इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाए, ठीक है। बीच का जो चैम्बर है उसमें क्षार भरा गया है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। साइड के जो चैम्बर है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में चैम्बर है, इसमें H2 गैस प्रोवाइड की जाती है, और राइट हैंड साइड में O2 गैस प्रोवाइड की जाती है। इस सेल की जो बेसिक थीम है वो क्या है, देखिए H2 और O2 क्रिया करके बनाती हैं H2O, और इसे बैलेंस फॉर्म में लें तो हम कह दें आधा O2, ठीक है, ये इसकी बेसिक थीम है। बट ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करवाई जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट करवाने पर यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, इसलिए इसी रिएक्शन को इनडायरेक्टली इस ईंधन सेल में करवाया जाता है और अधिकतम ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो देखिए सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का। देखिए H2 यहां पे निर्माण करेगा H2O का, H2 यहां पे किसका निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा, पर किसकी सहायता से करेगा, डायरेक्टली तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर नहीं सकता है, तो ये यहां से क्या करेगा, KOH से OH- KOH से OH- एक्सेप्ट करके ये रिएक्शन करेगा। अब देखिए H2O का तो निर्माण हो गया, साथ में क्या बच गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम 2OH- का यूज करेंगे ताकि हमें कंपाउंड प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो हम इसे क्या कर दें, बैलेंस कर दें, तो H2O, और साथ में इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग दिए जाएंगे, यानी H2 ने इन 2OH- आयन की प्रेजेंट में 2H2O का निर्माण किया है, और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए गए हैं, ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यानी ये क्या है, इसका एनोड पार्ट है। अब कैथोड पे देखिए क्या होता है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन, पर किसे हम, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि, मींस क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, अब ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगी, रेड्यूस, ऑक्सीजन क्या होगी, रेड्यूस ही तो होगी, क्योंकि कैथोड पे तो क्या होना है, रिडक्शन होना है, अपचेन होना है, तो देखिए वो रिडक्शन किस प्रकार से होगा।
जो एनोड पर वाटर यहाँ पे बना है उस वाटर में से दो मॉलिक्यूल्स बने ना, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करेगी और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। ऐसा करने से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, O2H2O से क्रिया कर रही है। तो अब देखिए कितना ऑक्सीजन दो, कितना हाइड्रोजन दो, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा 2OH-। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था जीरो, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना ऑक्सीजन का माइनस का दो, माइनस का दो है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है कमी मींस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि मींस ऑक्सीडेशन। अब हम टोटल सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करें, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए क्या क्या होगा इसमें, 2OH- से 2OH- कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएगा, H2O के 1 मॉलिक्यूल से यहाँ पे ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल लेंगे भाई, आधा मॉलिक्यूल तभी तो बैलेंस होगा ना, ये दो ही तो है ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन, और H2O से ये कट गया, कितना H2O का मॉलिक्यूल बच गया 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसे हम लिख देते हैं H2 प्लस आधा O2 क्या बना रहा है H2O। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नेट सेल रिएक्शन, एनोड और कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया, ये है ईंधन सेल, ईंधन सेल में होने वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए बुक्स में क्या होता है, इन्हीं इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2H2 प्लस 4OH- 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4OH-, और नेट सेल रिएक्शन भी क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड होगी 2H2 प्लस O2 2H2O, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बैलेंस का सिस्टम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये याद रखिए। और अगर आपको ये वाली अच्छी लग रही है तो आप इसे याद रखिए, ध्यान में रखिएगा ईंधन सेल में एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शंस होती है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जब भी वीडियो देखें तो लाइक के बटन को दबाया करें और अपेक्षित कमेंट भी करें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।